हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ स्किल्स ऑल इन वन। जैसा कि सारी दुनिया में वैश्विक महामारी फैली हुई है, कोरोना की COVID-19, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस की मिलती रहें। उसके लिए हमारी बहुत ही एडवाइजरीज जारी होती रहती हैं। उसमें आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, 2 गज भी, और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो अब हमारी वैक्सीन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि हमें सबको बताया है, कि जनवरी में हमारी वैक्सीन आ जाएगी। हमारी 2 कंपनीज इस वैक्सीन को ला रही हैं और देश विदेश में इस वैक्सीन के ऊपर कार्य चल रहा है। तो इसके चलते, कोरोना के चलते, हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री, जिसमें हमारे बैंकिंग भाई कितना काम कर रहे हैं लॉकडाउन में भी, तो देखिए, हमारी यूनियंस ने ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है और हो सकता है इसका असर भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ये देखिए, हमारी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, जो चारों हमारी ऑफिसर यूनियंस हैं, इन्होंने मिलकर हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को लेटर लिखा है। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि बताया है, जब ये वैक्सीन आ जाएगी तो हम इसको हेल्थ केयर, पुलिस, सैनिटरी वर्कर्स, इनको, ये जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, इनको सबसे पहले ये वैक्सीन लगेगी, जो कि 1 करोड़ के करीब लोग हैं। तो हमारी यूनियंस ने मिनिस्ट्री को ये लेटर लिख के बताया है कि बैंकिंग वर्कफोर्स को भी वो कोविड वॉरियर्स में इंक्लूड करें। इन दिस कनेक्शन कहा है, यू विल श्योरली अप्रिशिएट दैट द बैंकर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग ह्यूमन सर्विस एवर सिंस द अनाउंसमेंट ऑफ लॉकडाउन एंड हैव कंटिन्यूड टू प्रोवाइड फुल एंड रिक्वायर्ड बैंकिंग सर्विसेज इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड देयर आफ्टर। द बैंकर्स हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कीपिंग द व्हील्स ऑफ द इकॉनमी मूविंग डिस्पाइट हजार्ड्स एंड कंस्ट्रेंट्स। Despite thousands of bankers having contracted the disease and a huge number of fatalities in the sector caused by the contagion, uninterrupted banking services are being provided by the banking workforce. The role of bankers in facilitating sustained and robust growth by implementing government policies and advisories have been appreciated by our honorable prime minister and your good office too on many occasions, for which we express our gratitude. Is tarah, in the above backdrop, we request you to use your good offices to get bankers included in the list of frontline workers so that they can be administered the vaccine in a priority manner and banking workforce can feel appreciated for the services rendered by them during these most difficult and challenging times. तो इस तरह फ्रेंड्स, हमारी यूनियंस ने लेटर लिखा है कि हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री का एक एक एम्प्लॉय अनइंटरप्टेड बैंकिंग सर्विस देता रहा ड्यूरिंग लॉकडाउन भी, और इसके चलते हमारे कई साथी इसके भेंट चढ़ गए, जो कि एक बड़ी दुखद घटना है। इसके बावजूद भी हमारी बैंकिंग वर्कफोर्स ने अनइंटरप्टेड बैंकिंग सर्विस दी और जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करती रही, और हमारे बैंकिंग भाई चलते रहे इस लॉकडाउन के दौरान भी, अपनी सेहत की परवाह किए बिना पब्लिक को पूरी सर्विस देते रहे। तो क्यों ना ये फ्रंटलाइन वॉरियर में हमारे बैंकिंग कर्मचारी भी इंक्लूड किए जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसका अप्रिशिएट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी और
हमारे वित्त मंत्रालय ने भी बहुत बारी करा है, इसके लिए हम उनके धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सारे बैंक एम्प्लॉयज़ को प्रायोरिटी पर ये वैक्सीन लगे ताकि वो देश की सेवा इसी तरह करते रहें निष्काम भाव से। तो फ्रेंड्स, ये भी अगर आप हम भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इतनी खतरनाक ये बीमारी है, इससे हमें बच के चलना ही है। आप जब तक ये वैक्सीन नहीं आती, आप मास्क लगा के रखिए, 2 गज दूरी बना के रखिए और बार बार हाथ धोइए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।